आदेश दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। आदेश दोस्तों, इंग्लैंड की रॉयल फैमिली इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, और यह है कि ये घर के चिराग से ही घर को आग लग गई है। प्रिंस हैरी ने अभी एक किताब लिखी है, स्पेयर नामी, और उस किताब में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि जिसने खाली रॉयल फैमिली को नहीं, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को भी हिला के रख दिया है। अजीज़ दोस्तों, उस किताब में मैं थोड़ा डिटेल आपके सामने रखूँगा, लेकिन इससे पहले मैं ज़रा आपको रॉयल फैमिली की हिस्ट्री बता दूँ। अभी BBC या चैनल 4 पे एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की फिल्म भी बनी थी, जिसमें प्रिंसेस डायना, जो किंग चार्ल्स की पहली बीवी थी, उनके हवाले से, उनकी लाइफ के हवाले से, उनकी मौत के हवाले से चीज़ें फिल्माई गई थी, और उसमें पाकिस्तानी एक्टर हुमायूं सईद ने एक रोल अदा किया था। वो रोल था डॉक्टर हसनात का। डॉक्टर हसनात से लेडी डायना का, देखें पहले मैं बता दूं कि लेडी डायना की प्रिंस चार्ल्स से शादी हुई थी शायद 81 में, और पूरी दुनिया में धूम मची थी, और लेडी डायना एक लवली पर्सनालिटी थी, तो उनका उनको प्यार करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, ब्रिटिश भी थे और इंटरनेशनल लेवल पे भी। फिर वो एक डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी थी जो रॉयल फैमिली से मैच नहीं खाती थी, क्योंकि रॉयल फैमिली आफ्टर ऑल एक डुप्लीकेट लाइफ गुजारती है। एक रॉयल फैमिली को पब्लिक रख रखाव में, पब्लिक उसमें एक डिफरेंट लाइफ गुजारनी पड़ती है, तो वो लेडी डायना उस टाइप की नहीं थी। वो क्लियर चीज़ें सामने रखती थी, ह्यूमैनिटी, इंसानियत के हवाले से उनके काम बहुत थे। वो काफ़ी NGOs और काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स चलाती थी। जब इमरान खान ने कैंसर हॉस्पिटल के लिए पाकिस्तान में इनको दावत दी थी, तो ये पाकिस्तान भी गई थी कैंसर हॉस्पिटल के फंड रेजिंग के लिए, और इन्होंने ऐसे पूरी दुनिया में कई काम किए थे। उनकी प्रिंस चार्ल्स से बनती नहीं थी, क्योंकि प्रिंस चार्ल्स आफ्टर ऑल, ये खबरों में आता रहता था कि उनके करंट जो क्वीन एस्कॉट है, जो किंग चार्ल्स की वाइफ हैं कमेला, वो प्रिंस चार्ल्स के लेडी डायना से शादी से पहले उनसे ताल्लुकात थे, और किसी वजह से शादी लेडी डायना से करनी पड़ी थी। तो शादी के बाद भी वो पामेला जी से काफ़ी उनके ताल्लुकात रहते थे, जिस पे लेडी डायना दुखी रहती थी। और फिर इनके हवाले से कई खबरें मीडिया में आती रहती थी, और फाइनली लेडी डायना ने रॉयल पैलेस छोड़ दिया और वो अलीहदगी इख्तियार कर ली। इस दौरान इनके दो बेटे हुए, प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी। और फिर वो अलीहदगी इख्तियार करने के बाद वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। तो वो जो डॉक्टर हसनात हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के, उसके बारे में मीडिया में खबरें आती थीं कि उसके लेडी डायना से ताल्लुकात हैं, और लेडी डायना इस्लाम कबूल करके उसके साथ शादी करना वाली है, वगैरह वगैरह, ये खबरें आती रहीं। और फिर इसके बाद एक और अफेयर लेडी डायना का मशहूर हुआ, वो डोडी अल्फायद, यहाँ पे हैरड से बहुत बड़ा सुपर स्टोर है, बिलियनर फैमिली है। वो डोडी अल्फायद इजिप्शियन ओरिजिन का था, वो भी मुसलमान था, उसके साथ भी कई खूबसूरत जगहों पे इनकी वेकेशंस की पिक्चर्स लगती रहीं मीडिया में, और वो डोडी अल्फायद के साथ काफ़ी खुल के घूमा फिरा करती थीं। और आखिरकार जब फ्रांस में पेरिस के एक टनल में इनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे कुछ पापाराजी जो कि कैमरे लेके सब सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो लेते हैं, वो इनके पीछे भाग रहे थे, और फिर स्कूटरों पे और गाड़ियों में उनकी गाड़ी के पीछे जा रहे थे, तो बहुत स्पीड में वो गाड़ी जा रही थी और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और उसमें डोडी अल्फायद, मतलब लेडी डायना गुजर गई। उसके बारे में भी कई कंस्पायरेसी थियोरीज आई कि रॉयल फैमिली ने ये एक्सीडेंट करवाया था, और ये था और वो था, और उसके हवाले से कई चीज़ें आईं। उसकी इंक्वायरी इतनी ट्रांसपेरेंट, इतनी साफ़ सुथरी नहीं थी उस एक्सीडेंट की। और फिर फौरन ही वो जो जहाँ एक्सीडेंट हुआ था उसको फौरन क्लियर कर दिया गया,
और एविडेंसेस सारे ख़त्म कर दिए गए और ये सारी चीज़ें, और फौरन बात दबा दी गई। हालांकि उनकी डिवोर्स अभी नहीं हुई थी किंग प्रिंस चार्ल्स के साथ, लेकिन ये सब चीज़ें होती रहीं। इनके बच्चे रॉयल फैमिली में पलते रहे, प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी। हैरी मतलब आपको पता है कि ये रॉयल फैमिलीज जो होती हैं उनके लिए आर्मी ज्वाइन करना ज़रूरी होता है, तो विलियम ने भी आर्मी ज्वाइन की थी कुछ अर्सा, एक ऐसे ही ऑनरी आर्मी के लिए थोड़ा वो करते रहे काम और फिर रॉयल ड्यूटीज़ पे आ गए। हैरी ने बाकायदा आर्मी को ज्वाइन किया था और वो कॉम्बैट आर्मी में थे और अफ़गानिस्तान में भी स्टेशन थे, और अफ़गानिस्तान में इनको भेजा गया था आर्मी के साथ। और फिर ये बात जब लीक हो गई ना कि हैरी अफ़गानिस्तान में है, तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि ये इंतहाई हाई प्रोफाइल टारगेट होंगे तालिबान के, तो इनको वापस बुला लिया गया था। हैरी का ने एक शादी की मेगन से। मेगन गोरी नहीं है, अमेरिकन नेशनल है लेकिन वो गोरी नहीं है, वो मिक्स्ड है। तो उस हवाले से ब्रिटिश रॉयल फैमिली में पसंदगीदगी का इतना वो नहीं किया गया। विलियम एक बड़ा ही कंप्रोमाइजिंग पर्सनालिटी है, वो इस वक्त किंग चार्ल्स का क्राउन प्रिंस है, नेक्स्ट किंग होगा। तो विलियम के हवाले से यह है कि वो बड़ा अपने रॉयल स्टेटस में मज़े से है। इसने एक यहाँ की गोरी उससे शादी भी की, उसके बच्चे भी हैं तीन, और वो रॉयल फैमिली में एडजस्टेड था। लेकिन हैरी शुरू से एक बगावत की तरफ आया हुआ था, ख़ास तौर पे मेगन के शादी के बाद। मेगन को रॉयल फैमिली में ओपन हार्ट के साथ एक्सेप्ट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से हैरी बगावत पर आता रहा और फिर आखिरकार इसने अपनी माँ की तरह रॉयल फैमिली छोड़ दी और वो कनाडा शिफ्ट हो गया। और अभी इसके ऑफिशियल टाइटल प्रिंस और ये और वो मौजूद थे, इसको जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो मंथली ऑनरियम मिलता है पैसा खर्च करने के लिए, मिलियंस ऑफ पाउंड में होता है, वो भी मिलता रहा सब कुछ। लेकिन फिर इसने वहाँ पे अमेरिका जाके अपनी बीवी मेगन के साथ एक इंटरव्यू दिया ओपरा विनफ्रे को। ओपरा विनफ्रे एक सेलिब्रिटी है बहुत बड़ी, और अगेन शी इज़ ऑल्सो बिलियनर, तो पैसे से वो ऐसे इंटरव्यू होते हैं, क्योंकि इतने ख़तरनाक किस्म के आपको रॉयल फैमिली के हवाले से बातें करनी है तो आपको उसके लिए पैसे मिलते हैं। तो पता नहीं कितने मिलियन डॉलर मिले थे, लेकिन उस इंटरव्यू के लिए हैरी को पैसे दिए गए थे। और हैरी और मेगन ने उस इंटरव्यू में बड़ी खुल के बातें की, कि जैसे हैरी ने कहा कि मेरी बीवी जब प्रेग्नेंट थी तो हमारी रॉयल फैमिली में ये बात होती थी कि बच्चे की स्किन और बालों का कलर क्या होगा, क्योंकि बच्चे की माँ तो मिक्स्ड कलर है और उसके बाल काले हैं, तो बच्चे की स्किन कलर और ये, तो ये सीधा साधा रेसिज्म में आ जाता है, और यहाँ पे रेसिज्म के हवाले से बड़े सख्त कानून हैं। तो उसने खुल के बात की, लेकिन उसने नाम नहीं बताया कि रॉयल फैमिली में किसने ये बात की। अब मीडिया है, मीडिया ने स्पेकुलेशन करना शुरू किया कि हो सकता है क्वीन एलिजाबेथ ने कहा हो, सकता है विलियम ने कहा हो, चार्ल्स ने कहा हो, कुछ भी, लेकिन नाम उसने नहीं बताया था। इस टाइप की इसने बातें की। फिर इसका अभी वापस एक इंटरव्यू आया था, उसमें मेगन ने रॉयल जो वो होती है ना संस्कार, उसका मजाक उड़ाया था कि इस तरह हमें यूं झुकना पड़ता था और इस तरह करके बताया, तो उस पर बड़ा ब्रिटिश लोगों ने हंगामा मचाया था। और फाइनली ताबूत में आखिरी कील जो ठोकी वो इस किताब ने ठोकी, और इस किताब में इसने ऐसी ऐसी बातें की हैं, जैसे कि इसमें इसने एक जगह लिखा है कि मेरा अपने बड़े भाई क्राउन प्रिंस विलियम के साथ एक बार झगड़ा हो गया मेगन को लेके, और वो मेगन के बारे में बदतमीज़ी कर रहा था, तो मेरा उसका झगड़ा हो गया, तो विलियम ने मेरा गिरेबान पकड़ के मुझे ज़मीन पे गिरा दिया, और वहाँ पे बर्तन भी गिरे थे और मेरे नीचे बर्तन भी आके टूटे, और इस तरह मुझे विलियम ने मारा और मेरे ऊपर टॉर्चर किया।
इसके अलावा उसने रॉयल फैमिली के हवाले से काफ़ी चीज़ें लिखी। उसमें लिखा इसने कि मेरी माँ के साथ भी बड़ा अत्याचार हुआ है इस रॉयल फैमिली में, और ये रॉयल फैमिली के हवाले से इसने ऐसी ऐसी बातें की। अब उसमें क्या है कि देखें, और उसने एक और बहुत ख़तरनाक बात की ना, उसने ये कहा कि मैंने अफ़गानिस्तान में 25 अफगान मार दिए थे, और उसकी मिसाल दी कि ये चेस बोर्ड के प्यादे थे, यानी जो आप शतरंज खेलते हैं तो उसमें जो मोहरे होते हैं ना, उसमें प्यादे होते हैं। तो उसने ये कहा था कि चेस बोर्ड के प्यादे थे जिनको मैंने मार दिया, जिस पे बड़ा हंगामा मचा है। और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने उसको बड़ा ले दे की है। उन्होंने कहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए हैरी, कि तुम जिनको शतरंज के प्यादे कहते हो वो इंसान थे, उनकी फैमिलीज थी, और वो अपने मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, तुम बाहर से आए थे और तुमने यहाँ पे आके 25 आदमी मारे, ये इंतहाई जलालत की बात है। और ये है कि इस खबर ने बहुत ही ब्रिटिश गवर्नमेंट पे भी प्रेशर डाला, क्योंकि आज तक कभी किसी आर्मी के कमांडर ने या किसी ने ये क्लेम नहीं किया कि हमने इतने लोग मारे, और ये एक प्रिंस की तरफ से आता है। तो अब जैसे यहाँ पे इंग्लैंड में एक इंतहाई बदबूदार एक्सट्रीमिस्ट है, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट अंजुम चौधरी, जो कि जेल में भी रह के आए 2 साल, कुछ साल, आई डोंट रिमेम्बर कितना, और फिर जेल से छूट के वापस सरकार के पास खड़ा हो गया कि मेरी और मेरे दर्जनों फैमिली में है जो बच्चे और ये सब, इनके लिए मेरे पास खाने को पैसा नहीं। तो सरकार ने इसका जॉबलेस अलाउंस भी शुरू कर दिया। उसने अभी हैरी के ऊपर वो किया है कि मैं तमाम इस्लामिक लोगों को इंकरेज करता हूँ कि आप ब्रिटिश सोल्जर्स के ऊपर हमले करें, क्योंकि ब्रिटिश सोल्जर्स इसी तरह अपने लोगों को मारते हैं। और शहजादा हैरी ने जो ये किताब लिखी है, स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है बेकार, और उसने लिखा कि जब मैं 20 साल का हुआ तो मेरे उन्हें पता चला कि मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे फादर किंग चार्ल्स ने मेरी माँ डियाना से कहा था कि बहुत अच्छे, तुमने मुझे एक वारिस दिया और एक फालतू दिया, तुम्हारा जो काम था वो कर दिया। यानी वारिस था वो प्रिंस विलियम, और प्रिंस हैरी फालतू था, बेकार था, यानी स्पेयर, जो कि इसकी किताब का नाम है। एक और जगह हैरी लिखते हैं इस किताब में कि मैंने और विलियम ने मेरी माँ के मरने के बाद मेरे फादर किंग चार्ल्स, उस वक्त प्रिंस चार्ल्स थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप दूसरी शादी ना करें, लेकिन उन्होंने अपने बचपन की मोहब्बत से फौरन शादी कर ली, और इस तरह की कई चीज़ों का उन्होंने लिखा। उन्होंने लिखा कि जब मेरी माँ मर गई तो मैं और विलियम रो रहे थे, तो मेरे बाप ने आके हमें गले तक नहीं लगाया, और मैं उस वक्त सिर्फ 12 साल का बच्चा था, मेरी माँ मर गई थी जो कि हमसे इतना प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने हमें पुरसा भी नहीं दिया, हमें बात तक नहीं की। बाप का फ़र्ज़ होता है कि माँ मर जाए तो कम से कम बच्चों का ख्याल रखे। हैरी ने यह भी कहा कि उनका भाई जो विलियम है वो मेगन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और हमेशा उसने मेगन की खिलाफ वर्जी की है। इसने एक और जगह लिखा है कि रेसिज्म और अनकॉन्शियस बायस, यानी एक तो रेसिज्म होता है क्लियरली आप कलर की बुनियाद पे किसी से नफरत करें, एक आप ऐसे ही घुमा फिरा के वो करें। तो कहता है कि रॉयल फैमिली के काफ़ी लोग हैं जो डेविल बन जाते हैं, शैतान बन जाते हैं। कहता है कामिला जो कि प्रिंस किंग चार्ल्स की इस वक्त बीवी है, मलका है इंग्लैंड की, कहता है कामिला एक विलन थी, और वो अपनी इमेज बनाने के लिए हमारे खानदान में उल्टी सीधी चीज़ें करती थी। ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं पियर्स मॉर्गन, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं,
उन्होंने लिखा कि जस्ट फिनिश्ड रीडिंग स्पेयर, इट्स इवन मोर सेलेशियस इन इट्स डीपली इंट्रूसिव रेवलेशंस अबाउट द रॉयल फैमिली देन यू कैन पॉसिबली इमेजिन. प्रिंस प्राइवेसी सोल्ड देम ऑल डाउन द रिवर फॉर ए गजिलियन पीसीज ऑफ ट्रेचियस सिल्वर, ए ट्रूली स्टेजरिंग बिट्रेल. क्योंकि बहरहाल पैसे मिले हैं इसको, मिलियंस ऑफ डॉलर मिले हैं, और जिस किस्म की इसकी लाइफ हो, एक प्रिंस है जाहिर है कनाडा वगैरह में जहाँ पे रेयर है सीक्रेट जगह पे, उसका सिक्योरिटी का, फिर इनका लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करना. अब इसको यहाँ से तो पैसा मिलता नहीं है, इसके सारे टाइटल्स वगैरह भी तकरीबन ख़त्म हो गए, तो उसको वो मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें तो करनी है. इसकी बीवी एक्ट्रेस थी, अब वो उन सारे चीज़ों से ये लोग पैसे कमाएंगे. लेकिन यह है कि किताब ने हिला के रख दिया है. ये ब्रिटिश किताबों की जो बड़े बड़े स्टोर हैं उन्होंने इसकी किताब रखी है शेल्फ में, और बीच में किताब रखी है हाउ टू किल योर फैमिली. तो ये एक तरह का मजाक है. अजीज दोस्तों देखें, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो यूरोपियंस हैं ना, बेल्जियन, डच, स्पेनिश, पोर्टुगीज, फ्रेंच, ब्रिटिश, आम आदमी, उसमें मेजॉरिटी आज भी कॉलोनियल पीरियड को अच्छा समझते हैं. वो आज भी अपनी वो जो पूरी दुनिया पे कब्जा करके जुल्म, बर्बरियत, अत्याचार किए, लूट मार की, उसको आज भी कंडेम नहीं करते कहीं भी. सामने सामने लेपातोपी है कि हाँ ये है वो है, ह्यूमन राइट्स और फलान और फ्रीडम और सब चीज़ें, लेकिन अंदर खाने. इसकी मैं मिसाल दूंगा कि मैं बेल्जियम में जब था ना, तो मैं 94 में एक कराची पाकिस्तान में हैदराबाद शहर का एक हैं नवाब अख्तर साहब, अब तो गुजर गए, उनकी वहाँ पे ग्रीन पेपर नाम की एक दुकान थी जिसमें एशियन वेजिटेबल और अफ्रीकन और एशियन वेजिटेबल और सब चीज़ें हम इम्पोर्ट भी करते थे, और उन पे तो मैं वहाँ पे वो पूरा काम मैं संभालता था, मुझे वो बेटा बेटा करते थे. उनकी बीवी पोर्टुगीज थी, तो ये अक्सर मेरी उसकी बातचीत होती रहती थी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लंच के दौरान. तो एक दिन बात निकली कॉलोनियलिज्म पे, तो मैंने कहा कि स्पेन ने पूरे साउथ अमेरिका पे कब्जा किया हुआ था, तो कहती है नहीं नहीं नहीं, स्पेन ने तो आधे से भी कम साउथ अमेरिका पे कब्जा किया था, सब छोटे छोटे मुल्क हैं, आधे से ज़्यादा साउथ अमेरिका तो ब्राज़ील है, वो तो हमारे मुल्क ने कब्जा किया था, वी वर ओनर ऑफ ब्राज़ील. उसकी बात से मुझे ऐसा फील हुआ कि वो प्राइड बता रही है कि हमने ब्राज़ील के ऊपर कब्जा किया हुआ था. और फिर अंगोला भी अफ्रीका का मुल्क है जो वो ब्राज़ील के कब्ज़े में था, पोर्टुगल के कब्ज़े में था. भारत में गोवा वाले अच्छी तरह जानते हैं, भारत के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पोर्टुगीज़ों ने कितना जुल्म और अत्याचार किया था. तो ये पूरे यूरोपियंस का हाल है. यहाँ पे ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं कुछ जिनके मैं इंटरव्यू भी लेता रहता हूँ, लेकिन जब बात होती है तो वो कभी भी वो कहते हैं इंग्लैंड ने अच्छा किया था, इंग्लैंड ने इंडिया पे कॉलोनाइजेशन किया था इंडिया का, क्योंकि इंडिया में बड़ा मामलात ख़राब थे, हमने आपको रेलवे दिया, हमने आपको वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, आज भी आपके जो सिविल एंड पुलिस के लॉज हैं वो हमारे दिए हुए हैं, हमने आपको ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाए, और ये आज भी प्राइड इसमें दिखाते हैं. तो सॉरी टू से, लेकिन वाइट सुपरमेसी है ना, जो चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, वो आज भी कहीं ना कहीं अंदर खाने इनकी है. आज सिर्फ सिचुएशन ये चेंज हुई है कि ये अपने मुल्क में सबको राइट्स देते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली है, जमैका का है, अंगोला का है, कॉन्गो का है, कहीं का भी है, उसको राइट्स देते हैं इक्वल बराबर. और आपने देखा ही है कि यहाँ पे जिस तरह मुसलमानों ने बदमाशियाँ की हुई हैं, तो ये सब इधर देते हैं. लेकिन बाकी जैसे आप देख लें, इराक में हमले किए इन्होंने, सीरिया पे किए, लीबिया पे किए, अफगानिस्तान में है, ये सब चीज़ें उसको सपोर्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट्स का, जबकि इनकी गवर्नमेंट्स को मसला क्या है कि वहाँ जाके हमले करते हैं ये लोग.
अमेरिका के साथ मिलके, तो ये एग्जिस्ट करती है आज भी। और हमने प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में अमेरिका में देखा था कि ये है, बिल्कुल एक एग्जिस्ट करती है चीज़ें। तो अजीज दोस्तों, प्रिंस हैरी की किताब ने ब्रिटिश आम आदमी से ले कर रॉयल फैमिली तक, गवर्नमेंट तक, सबको हिला के रख दिया है। होना वाना कुछ नहीं है, ज़ाहिर है आपको भी पता है। मैंने कहा आपके सामने ये सारे हैरी के हवाले से चीज़ें ला कर रखूँ। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।